path of different radii. I said speed badal denge, it will adopt a circular path of different radius. Speed will be increased, it will describe a bigger circular path. But period of revolution par kya effect aayega? To dekh lo, 2 pi to constant hai. और ऑलरेडी हमने चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स रखा तो ना तो एम चेंज होगा, तुम भी ध्यान दो, ना एम चेंज होगा, ना क्यू चेंज होगा, ना बी चेंज होगा, मतलब टी विल बी कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ स्पीड, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्पीड. और क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि जब स्पीड बढ़ती है तो रेडी जो रेडियस है वो भी बढ़ जाता है, मतलब जो पाथ कवर करना है उसकी लेंथ भी बढ़ जाती है. ऐसे जो स्पीड बढ़ती है देयरफॉर द लेंथ ऑफ पाथ इज आल्सो इंक्रीज. ये चीज समझ में आ गई? तो देख लो यहां पर हम लिखे दे रहे हैं, देयरफॉर व्हेन द चार्ज पार्टिकल particle enters normally to the direction of magnetic field, then it describes circular path of different radii. ये describe कर रहा है circular path of different radii. I suggest. But period of revolution. Revolution will be same. वो क्या होगा? Same होगा. आए समझे? आप सब लोग देख लें. अगर क्या है यहां पर, सब लोग इसको देख लें, ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. और चार्ज पार्टिकल क्या करे? इट इज इंटरिंग विद दिस डायरेक्शन, मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम हियर. अगर ये हो, ये तो हमने एक स्पेसिफिक केस लिया था जब चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा था नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वी और बी के बीच का एंगल 90 था. पर अब क्या है? When angle between V and B is other than 90 degree, angle between V vector V and vector B is other than 90 degree. अब सब लोग हम क्या करेंगे? V को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे ना. एक तो कंपोनेंट इधर जो होगा कितना? v cos थीटा. और दूसरा कंपोनेंट वेलोसिटी का इधर जो है v sin थीटा. अब बताएं मनस्वी रंजन, मनस्वी रंजन बताएं, बताओ वेलोसिटी के किस कंपोनेंट के कारण चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा? Because of which component of velocity charge particle will experience force? कौन बता सकता है? स्वाति. सर v sin theta. Very good. सर v sin theta. theta के कारण क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो तो magnetic field की direction में ही है. Yes.
I said force will be experienced because of V sin theta. तो R का फार्मूला क्या है? Therefore, charge particle experiences force because of velocity component v sin theta. ऐसे तो देख लो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ तो सब लोग देखें आर का फार्मूला होता है एम वी अपान क्यू बी. हमने बताया था अगर एक चार्ज पार्टिकल क्यू वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करे तो वो कितना बड़ा रेडियस सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करेगी. क्या रेडियस होगा? एम बी अपान क्यू बी. अब अगर वो वी वेलोसिटी की जगह वी साइन थीटा वेलोसिटी से इंटरेगी तो क्या रेडियस हो जाएगी? ये हो जाएगी वी की जगह वी साइन थीटा आ जाएगी एम वी साइन थीटा अपान क्यू बी. समझ में आया? तो बताओ ये वी कॉस थीटा का क्या होगा? तो वी कॉस थीटा का क्या होगा? ये अब जो चार्ज पार्टिकल है वो एक ही जगह नहीं रहेगा, वो एक ही जगह चक्कर नहीं लगाता रहेगा ना, जैसे अभी वो केवल एक ही जगह चक्कर लगा रहा था. अब क्या होता जाएगा? वो सर्कुलर चक्कर लगाते हुए आगे भी बढ़ता जाएगा. ऐसे सर्कुलर चक्कर लगाते हुए आगे भी बढ़ता जाएगा. पाथ कैसा हो जाएगा? हेलिकल हो जाएगा. ऐसे v cos थीटा वेलोसिटी से ये आगे बढ़ता जाएगा. ऐसे पाथ कैसा होगा? हेलिकल होगा, स्पाइरल होगा. मालूम है? बोले सबको समझ में आया? Yes, sir. अब हम बंद करते हैं.